आई काइस वेलकम बैक टू माई चैनल और आज मैं आपके साथ चेक करने वाली हूँ ये एवरी डे नो मेकअप मेकअप लुक जो कि ऑफिस कॉलेज के लिए तो परफेक्ट है ही साथ ही साथ इफ़ यू आर टीनेजर तो आपके लिए भी जो है ये परफेक्ट है बिकॉज मैंने इसमें अफोर्डेबल प्रोडक्ट का भी यूज़ किया है, और साथ ही साथ मैंने इसमें जो है कोई भी फाउंडेशन या मेकअप ब्रश का जो है यूज़ नहीं किया है स्वयस इफ़ यू वन अो हा आई काट दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी ये लैक में एप्सलूट के ब्लो परफेक्ट मेकअप प्राइमर से मुझे एक्चुअल में जो है ये प्राइमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मैंने काफ़ी मेकअप टोल्स में यूज़ किया है तो ये ना पोर्स को, को भी काफ़ी अच्छी तरीके से फिल इन कर देता है और स्किन को भी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है स्मूथ कर देता है और क्योंकि इसमें हल्का सा एक पिंकिश टेंट है ना जिससे हमारा फेस भी जो है ब्राइटन लगता है नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये लैकमे की 95 सीसी क्रीम इसमें जो मेरा शेड है दैट इज़ बेज इसको मैं थोड़ा सा अपने बैक ऑफ द हैंड पे लूँगी और उसमें मैं ऐड करूँगी गुड वाइब्स का रोज हिप सिरम इससे क्या होगा कि अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है और अगर आपको ये सीसी क्रीम अपनी स्किन पर थोड़ी सी मैट लगती है तो आप इसमें जो है सिरम ऐड करिए उससे आपकी स्किन ना आपकी स्किन पर जो है ये सी क्रीम एकदम ग्लोई ज्यूई लगेगी और बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अप्लाई होगी तो इसको जो है मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से अप्लाई करूँगी और फिंगर्स की हेल्प से जो है इसको ब्लेंड कर लूँगी और फिंगर्स से ना ब्लेंड करने पर यह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ब्लेंड होती है नेक्स्ट में यूज करेंगे गर्ल का प्रो कंसीलर वन ऑफ द बेस्ट कंसीलर इन इंडियन मार्केट ड्रग स्टोर में तो इसको जो है मैं अपने अंडर आईज पे जो है अप्लाई कर लूँगी ना अगर आप सीसी क्रीम नहीं अप्लाई करना चाहते यू कैन टोटली स्किप इट बट मेक श्योर कि आप कंसीलर जो है जरूर अप्लाई करो कंसीलर अप्लाई करने से आपकी जो अंडर आई एरिया है ना वो अवेक लगेगा और आपका जो फेस है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है फ्रेश लगेगा तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है अप्लाई करूँगी एंड देन ब्यूटी ब्लैंडर की हेल्प से जो है ब्लैंड कर लूँगी नेक्स्ट अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ करूंगी मेबलिन का फिटमी कॉम्पैक्ट और इसको जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर ही जो है लेके इससे जो है अपनी अंडर आई एरिया को जो है सेट कर लूंगी ये स्टेप भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप अपने कंसीलर को सेट नहीं करेंगे तो उसमें क्रीज लाइन्स आ जाएंगी और आपका फेस भी ना बहुत जल्दी जो है मेल्ट होने लगेगा तो मेक श्योर sure कि उसे पाउडर से जरूर सेट करें नेक्स्ट बार ये आती है आई की एंड आई भी अगेन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो आप देख सकते हैं कि मैं आई को डायरेक्ट जो है उसकी टिप से नहीं यूज़ कर रही हूँ उसको थोड़ा सा जो है स्लांट करके यूज़ कर रही हूँ और आगे से जो है मैं वर्ट स्ट्रोक्स में फिल कर रही हूँ और पीछे से जो है मैं पहले एक अपनी आईब्रोज के क्लोज क्लोज जो है एक शेप ड्रॉ करी हूँ एंड देन बहुत लाइट हैंड से जो गैप्स है ना उनको फिल इन कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छी तरीका है कई लोग क्या होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेशर दे के आईब्रोज फिल करते हैं जिससे आईब्रोज बहुत ज्यादा मेडअप लगती हैं तो आपको एकदम लाइट हैंड से जो है अपनी आईब्रोज को फिल करना है बहुत ही हल्का हल्का सा नेक्स्ट अपने आईज को थोड़ा सा और ओपन अप करने के लिए मैं यूज़ करूंगी लैकमे का आई इससे जो है मैं एकदम बहुत ही पतला बिल्कुल ऐसा लगे ना कि मैंने अपना आई लाइनर अप्लाई करा और मेरी आँखें भी जो है मेरी आई लैशेज जो है वो एकदम फुला लगे एकदम पतला सा जो है आई अप्लाई कर करूँगी अपनी आईज को थोड़ा और ओपन अप करने के लिए अपनी आई को थोड़ा सा और यू you नो know, वॉल्यूम देने के लिए मैं अप्लाई करूंगी ये मेब्लिन का मस्कारा दिस इज सच एन ओ जी मस्कारा एंड इसको जो है मैं अपनी अपर लैशेज और लोअर लैशे पे जो है अप्लाई कर लूंगी और आप लिटिल देख सकते हैं दिस स्टेप मेक्स ह्यूज डिफरेंस नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं बट मेरा कोई भी यू नो एवरीडे मेकअप तो बिल्कुल भी जो है हाइलाइटर के बिना एकदम इनकम्प्लीट है तो इसको जो है मैं इस हाईलाइटर को अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो अपने हाई पॉइंट्स पर अप्लाई करूँगी और अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो है इसको ब्लैंड कर लूँगी सच अ ब्यूटिफुल हाईलाइटर गाइज इट गिवस सच अ विदिन सॉर्ट ऑफ अ ग्लो बिल्कुल भी ऐसे यू नो चंकी वगैरह नहीं लगता तो परफेक्ट है एवरी के लिए तो इसको जो है मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी और आप लिटल देख सकते हैं कि कितना नेचुरल लग रहा है एंड इसको जो है मैं अपनी क्यूपिड्स पो और अपनी चिन पे भी जो है अप्लाई करूँगी और थोड़ा थोड़ा सा जो है मैं इसको अपनी आइलेट्स आई आइज पे भी जो है अप्लाई कर लूँगी ताकि आईज़ ना और ज़्यादा अच्छी लगे एंड देन अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो है इसको ब्लेंड कर लिया नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी ये लिप लाइनर ये आई थिंक वेट एंड वाइट का उसका जो शेड है वो है चेस्टनट बहुत ही प्यारा लिप लाइनर है बहुत ही सुंदर सा जो है ब्राउन ब्राउन शेड है तो इससे जो है मैं सबसे पहले अपने लिप्स को जो है लाइन कर लूँगी एंड देन हल्का हल्का सा जो है अपने लिप्स को इससे फिल इन भी कर लूँगी एंड देन मैं यूज़ करूंगी ये मिस क्लेयर की यू नो सॉफ्ट मैट लिप क्रीम इसमें जो मेरा शेड है दैट इज़ थर्टी वन एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यू नो पीची न्यूड कलर जो कि फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम इम्प्लीमेंट करेगा अगर आप इस लिप लाइनर के साथ अप्लाई करोगे ना तो ये सारे स्किन टोन्स को जो है कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा एंड इसको भी जो है मैं अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरीके से एंड या आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर लग रहा है ये एंड इसी लिपस्टिक को जो है मैं अपने चीक्स पे भी जो है अप्लाई कर लूँगी एज अ ब्लश एंड दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस और इसको जो है मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो है ब्लेंड कर लूँगी इससे क्या होगा आपके चीक्स पे यू नो एक फ्लैश ऑफ कलर आ जाएगा और आपका जो फेस फेस है ना वो और ज़्यादा जो है फ्रेश लगेगा स्पेशली इफ़ यू आर अ टीन एजर इस लुक इस स्टेप को बिल्कुल करना मत भूलेगा और सेम इसी लिपस्टिक को जो है मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है अपने आईज पे भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैंने कोई भी आई नहीं अप्लाई किया तो इससे क्या होगा आइज़ पर ना थोड़ा सा कलर आ जाएगा और क्योंकि लिपस्टिक एकदम ऐसी नेचुरल सी है ना तो आईज भी जो है एकदम नेचुरल लगेंगी और अपनी फिंगर्स की हेल्प से जो है मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी and yeah this is my final finished look I love 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 how this look has turned out glowy skin natural you know makeup um, you know बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने भर भर के makeup apply करा बहुत ही ज़्यादा natural लग रहा and

Take care. Bye bye.